हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चेकर फ्रीक। तो दोस्तों, आज मेरा मैक्लोडगंज में तीसरा दिन है और आज जो मेरा प्लान है वो धर्मशाला जाके स्टेडियम देखने का है। तो आज मैं सुबह 6 बजे उठ गया था, 6:30 बजे, बट आज भी बहुत ज़ोर की बारिश हो रही थी। तो मैं कब से वेट कर रहा हूँ कि बारिश रुक जाए और मैं बाहर निकलूँ। तो अभी बज चुके हैं 10:30, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि बाहर का मौसम कैसा है। तो बारिश तो अभी रुक गई है, लेकिन अभी भी पूरा क्लाउडी क्लाउडी है। भरोसा नहीं है, जोर से बारिश वापस आ सकती है। तो मैं सोच रहा हूँ जाऊँ कि नहीं जाऊँ, लेकिन जाना तो है कुछ भी करके, वरना आज का दिन मेरा वेस्ट चला जाएगा। कल जो मैंने ट्यून ट्रैक किया था वो मेरे होटल से एकदम दिखता है सामने, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ट्यून का जो रास्ता है यहाँ से, ये बक्स वाटरफॉल है, यहाँ से ऐसा कर करके यहाँ पे, फिर यहाँ से ऐसा कर करके ये है ट्यून का टॉप, सीधे टॉप ऑफ द ट्यून, और यहाँ पे है ट्यून कैंपिंग साइड, और यहाँ पे जो आपका ये पहाड़ दिख रहा है हिमालयन, ये साइड से धौलाधार माउंटेन रेंज है, आई कंफर्म नहीं लेकिन साइड से वही है। तो यहाँ पे पूरा अभी बर्फ़ से पूरा ढका हुआ है, मतलब इतनी कल पूरा स्नोफॉल हुआ था ना, तो पूरा बर्फ़ है। तो ट्यून ट्रैक का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आपको मिल जाएगा, वीडियो का लिंक आपको ऊपर नीचे डिस्क्रिप्शन में, ऊपर आई बटन में मिल जाएगा आपको, तो देखो, काफी अच्छा वीडियो है। तो अभी मौसम थोड़ा क्लीन हो गया है और मैं अपने होटल से निकल चुका हूँ। तो यहाँ से मुझे जाना है धर्मशाला स्टेडियम, तो ये उसके लिए मुझे टैक्सी या ऑटो रिक्शा बुक करना पड़ेगा। तो मैं जहाँ पे रहता हूँ, जो मेरा होटल है, वहाँ से भी टैक्सी मिल जाती है, बट आई थिंक सो टैक्सी बहुत कॉस्टली होगा, तो मैं ऑटो बुक करूँगा। तो उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा पहले मैक्लोडगंज मार्केट, जो कि यहाँ से ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर है, फिर वहाँ से जाके टैक्सी तो नहीं, ऑटो ही बुक करूँगा, ताकि कम पैसे में वहाँ पर पहुँच पाऊँ। तो चलो फिर फटाफट पहुँचता हूँ मैं मैक्लोडगंज मार्केट। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं मैक्लोडगंज मार्केट में। अभी यहां से मैं जा रहा हूं ऑटो देखने के लिए, कितना रुपए लेते हैं ऑटो वाले। वैसे यहां से 7.5 किलोमीटर है धर्मशाला स्टेडियम, तो अभी देखते हैं कितना चार्ज करते हैं वो। तो मैंने ऑटो बुक कर ली है और अब मैं जा रहा हूं स्टेडियम। तो यहां से कुछ 8-9 किलोमीटर डिस्टेंस है स्टेडियम का, और ऑटो का जो फेयर है वो 250 रुपया है, और टैक्सी का ज़्यादा है अगर आप टैक्सी से जाओगे तो, लेकिन अगर आप ग्रुप में हो तो आपको टैक्सी अच्छा पड़ेगा। मैं तो अकेला हूँ इसलिए मैं ऑटो से जा रहा हूँ। और वहाँ पे स्टेडियम के अलावा भी और भी 2-3 पॉइंट है, तो वो भी मैं विज़िट कर लूँगा आज के दिन। आज पूरा दिन मुझे यही करना है। तो बड़ी उम्मीदों के साथ मैं पहुंचा ऑटो से, जो एंट्री गेट है हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का जो स्टेडियम है, बट वहां जाके पता चला कि स्टेडियम को क्लोज़ कर दिया, और वो कब से क्लोज़ किया है, आज से ही। मेरी उम्मीदों पे पूरा पारी फिर गया। बड़ी मतलब ख्वाहिश लेके आया था कि मैं स्टेडियम देखूँगा, मतलब महाराष्ट्र में 5-6 स्टेडियम है, लेकिन आज तक मैं कभी गया नहीं, मतलब जहाँ भी इंटरनेशनल मैचेस होते थे वहाँ पे आज तक मैं स्टेडियम में गया नहीं। सोचा धर्मशाला आके जो स्टेडियम है धर्मशाला का, जो इतना ब्यूटीफुल स्टेडियम है, वो देखूँगा, बट आज से ही बंद है। तो ये मेरा बैड लक है, तो ना मैं खुद देख पाया ना आपको दिखा पाया, उसका बुरा लग रहा है, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं। तो कुछ ना कुछ तो करना ही है, आज का टाइम तो वेस्ट नहीं करना है, दिन तो वेस्ट नहीं करना है। तो स्टेडियम के बगल में वार मेमोरियल करके है, करके म्यूजियम है मतलब वहाँ पे, तो वहाँ पे मैं जा रहा हूँ, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी मैं पहुँच चुका हूँ वार मेमोरियल के म्यूजियम के यहाँ पे, और यहाँ का जो एंट्री फी है वो 20 रुपीज़ है। आपका नाम और नंबर लेंगे और आपको फिर जाने देंगे अंदर। और ये जो स्टेडियम है, स्टेडियम से सिर्फ 1/2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही है। तो अभी देखते हैं, विजिट करते हैं यहाँ पे, हमें कुछ क्या देखने को मिलता है। तो ये जो प्लेस है अभी भी कंस्ट्रक्शन में है,
अभी तक पूरी तरीके से बना नहीं है, जल्दी बन जाएगा। तो यहाँ पे जो एक डिज़ाइन बनाया गया जो हमारे भारत देश का पूरा नक्शा है वो बनाया गया, पूरा मैप, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो वार मेमोरियल विजिट करने के बाद मैं आपको और एक नई प्लेस दिखाने वाला हूँ, जो कि है टी गार्डन, जो कि यहाँ से ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो मैं कुछ टैक्सी या रिक्शा करके नहीं जा रहा हूँ, चल के ही जा रहा हूँ, फुकट में पैसा जाएगा। तो चल के जाने का भी अपना एक मज़ा है, एक सुंदर नज़ारे को देखते देखते। तो टी गार्डन के यहाँ पर मैं जाता हूँ, और टी गार्डन हमेशा ओपन रहता है, मैंने पहले पूछ के लिया, वरना स्टेडियम की जैसे मेरा पोपट ना हो जाए। बहुत बुरा लग रहा है भाई, स्टेडियम देखने को नहीं मिला, उदास हूँ अभी भी मैं, वो आपको चेहरे पे नहीं दिख रहा होगा लेकिन सच में बहुत उदास हूँ मैं। तो ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं, चलते हैं अभी टी गार्डन, वहीं पे मिलता हूँ मैं आपको अभी। तो पूरे 3 किलोमीटर चलने के बाद मैं फाइनली पहुँच चुका हूँ टी गार्डन, जैसे कि आप देख सकते हो सब जगह ये है चाय के पौधे। वैसे यहाँ पे मैं देख रहा हूँ तो इतना लोग है नहीं यहाँ पे, लेकिन यहाँ तक आने का जो रास्ता है काफ़ी खूबसूरत है, अगर आप ड्राइव करके आओगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो धर्मशाला या मैक्लोडगंज आपको विजिट करना रहेगा, यहाँ की जगह को एक्सप्लोर करना रहेगा, तो बेस्ट है कि आप स्कूटी हायर कर लो या बाइक हायर कर लो रेंट पर, फिर उसके बाद घूमो बिंदास, कोई बात नहीं। आप ऐसा करोगे तो आपका टाइम भी बचेगा, पैसा भी बचेगा। ये जो टी गार्डन है यहाँ के बगल में, जो यहाँ की जो स्पेशल टी है हिमालय की, हर एक फ्लेवर में मिलती है यहाँ पे, तो आप चाहे तो खरीद सकते हो, मैं ख़रीद रहा हूँ। तो इसको बनाना कैसे है वो बताएंगे। आपका नाम सर? रॉकी। रॉकी, तो रॉकी जी हमें बताएंगे कि इस टी को एक्चुअली पीना कैसे है, बताइए। जैसे एक्चुअली जो हमारा लूज में ग्रीन टी रहता है उसको बनाने का प्रोसेस जो वो लग रहता है, जैसे आपने अपने लिए वन कप बनाना है, वन कप आप पानी का ब्रू करिए, जैसे पानी ब्रू हो जाएगा पानी को कप में डाल लीजिए, कप में डालने के बाद चाय से मिनिमम 2 ग्राम के हिसाब से यानी कि हाफ टी स्पून चाय का इसमें कप में डाल दीजिए, फिर 2 मिनट के लिए इसको स्टे करके रख दीजिए ढक के, उसको जैसे छान के आप पी सकते हैं। टेस्ट के लिए आप लेमन हनी, लेमन जूस या हनी या शुगर सैसे वगैरह यूज़ कर सकते हैं। अच्छा अच्छा जी सर, तो इसका प्राइस कितना है? इसका जैसे हमारे पास लूज में रहेगा 172, 250, 260 की रेंज, और टी बैग्स में 160, 180 और 220 की रेंज तक है। अच्छा, तो इसका जो स्टार्टिंग प्राइस है 170, 180 में, और उससे जो बड़ा प्राइस का है वो 260 तक मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे आए हो इतना दूर हिमाचल प्रदेश घूमने, तो इस तरह की टी ज़रूर लेके जाइए, ज़रूरी इफ़ेक्ट करेगा आपके लिए। तो इस वीडियो को ख़त्म करने का टाइम आ चुका है, धर्मशाला स्टेडियम विजिट नहीं कर पाया उसका गम है मुझे, बट कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, इस बार नहीं कर पाया तो अगली बार तो आएंगे, ज़रूर आएंगे और ज़रूर करेंगे विजिट। तो ओ, और दूसरी बात की
टी गार्डन मैंने आपको जो दिखाया यहाँ के ड्रोन शॉट जो लिए बाद में वार मेमोरियल जो जो आपको गार्डन दिखाया वो भी बहुत ही अच्छी प्लेस है घूमने के लिए, तो आप वो भी विजिट कर सकते हो। अगर आप धर्मशाला स्टेडियम विजिट कर रहे हो तो उसके साथ ये दो प्लेसेस भी आप कवर कर सकते हो इजीली आराम से, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, ड्रोन शॉट अच्छे लगे हो तो कमेंट करके बताना, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब करना। तो चलो फिर चलता हूँ मैं, जल्दी मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप ट्रैवलिंग, कीप एक्सप्लोरिंग, बाय।